हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंदलता। आज की वीडियो में हम ग्राफ्टर वर्सेस के स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता क्या है, ठीक है। तो हम जैसे मान लेते हैं सर्कल्स की मूवमेंट, जैसे ये, ठीक है, ये जैसे है इनर सर्कल है, फिर ये आउटर सर्कल है, फिर इसे आउटर सर्कल है, ठीक है। तो मान लो कि मेरे को ट्रैवर्सल स्टार्ट करनी है सेंटर से, ठीक है। अब ये कि सेंटर से ऐसे हम कवर्स करेंगे नोट्स की, सबसे पहले मिडल मोस्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर का। नेक्स्ट लेयर का मतलब है कि जो इस वाले से वन डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये खुद से जीरो डिस्टेंस पे है, फिर जो सेंटर से टू डिस्टेंस पे है, मतलब क्या कि जैसे पानी फैलता है वैसे हम कवर करेंगे, कि मतलब क्या कि जो सेम डिस्टेंस पे है वो एक साथ कवर होंगे, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस, नेक्स्ट उससे दूर डिस्टेंस, ठीक है। जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि हम सबसे पहले जाएंगे एक बाउंड्री को टच करके आएंगे, फिर रास्ते में कोई दूसरी निकल रही है उधर, फिर उधर, मतलब क्या है कि उसमें हम सबसे पहले डेप्थ में जाएंगे, जैसे ट्री की डेप्थ है, फिर वापस आए फिर दूसरी डेप्थ में, फिर वापस आए दूसरी, फिर वापस आए दूसरी। बट इसमें क्या है कि सबसे पहले हम एक लेयर कवर करेंगे, फिर उसकी दूसरी लेयर, ये ब्रेथ है वो पूरी लेयर कवर करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरी, ठीक है। तो ये होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च सिमिलर है टू द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए ट्री, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, ये ट्री होता था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर। ग्राफ भी इस तरह से ही है, अगर हम इसको पूरा फोल्ड कर दें, ठीक है, तो वो सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगा, पहले ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, फिर ये वाली लेयर, एक तरह से, ठीक है। तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब आपको याद होगा, जिसने मेरी ट्री की वीडियो नहीं देखी ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पे, वो पहले वो भी देख सकता है, ठीक है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च जब भी लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना होता है, तब हमें चाहिए होती है क्यू, ठीक है। क्यों क्यों चाहिए होती है, क्योंकि देखो इसमें, देखो ये सबसे पहले हमें क्या है कि इस क्वेश्चन में निकालना है जीरो से लेके ब्रेथ फर्स्ट सर्च, मतलब क्या कि मेरे को पूरा ग्राफ ट्रैवर्स करना है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो इसमें क्या है कि इनर मोस्ट लेयर क्या है, जीरो, ठीक है। उसके बाद लेयर कौन सी है जो जीरो के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो ये लेयर वन में आ गए। अब क्या है कि जो वन टू थ्री फोर के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है वो लेयर टू में आएंगे, ठीक है। तो ये वन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये टू के साथ, ठीक है, ये दो है, तो ये लेयर टू में आएंगे मेरे, ये लेयर टू है, ये लेयर वन है, ये लेयर जीरो है, ठीक है, सिंपल है। अब क्या है कि हम देखो, लेवल जीरो से मेरा लेवल वन बनेगा, ठीक है, लेवल वन से मेरा लेवल टू बनेगा, मतलब क्या है कि देखो अगर मैं इधर क्यू लगा दूं, ठीक है, मेरे को ये आउटपुट चाहिए था, अगर मैं इधर क्यू लगा दूं तो मैं क्या करूंगा, जो एलिमेंट फ्रंट पे आया उस एलिमेंट के जो साथ कनेक्टेड है उसको मैं क्यू में डालता जाऊं, फिर ये रिमूव हो गया, फिर ये एलिमेंट्स है, इसके जो सराउंडिंग वाले वो क्यू में डालते जाऊं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि फील आ रही है क्यू वाली, कि फ्रंट एलिमेंट लिया उसके नेबर्स डाले, फिर मेरे पास नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, फिर ये हट गया, फिर नेक्स्ट लेवल आया, नेक्स्ट लेवल के हम जो उसके साथ में ज्वाइन है नेबर्स है वो डाले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि देखो मेरे को स्टार्ट करने के लिए क्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मैं क्यू को इनिशियलाइज किससे करूंगा, सोर्स से, ठीक है। तो जो मेरा पहला स्टेप है वो है इनिशियलाइज क्यू, ठीक है। तो क्यू को इनिशियलाइज करूंगा मैं जीरो से, ठीक है। और क्या है कि देखो जीरो जो क्यू में एलिमेंट आ गया ना उसको हमने इधर ट्रू कर देना है, कि मतलब एलिमेंट हमने कवर वो कर लिया है, ठीक है। तो इधर जीरो है, इनिशियली क्या है कि विजिटेड एरिया है, ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी विजिटेड नहीं है, सारे फॉल्स है, ठीक है। इनिशियली मैंने जीरो को क्या कर दिया, अब ट्रू, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप बन गया, ठीक है, स्टेप नंबर वन इनिशियलाइजेशन की, ठीक है। अब देखो करना क्या है, मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए था, ठीक है, मतलब क्या है कि क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है, अब देखो मेरे को करना क्या, जो क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है उसके जो डायरेक्टली अटैच है वो सारे मेरे को क्यू में डाल देने हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती, ठीक है,
हर एक लेवल ऑफ ट्रैवर्सल में यही स्टेप होते हैं जब तक ट्यूब खाली नहीं हो जाती। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक एक मेरे को फ्रंट एलिमेंट लेना है। अब देखो जब मैं फ्रंट एलिमेंट निकाल जाऊंगा, ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या है कि डायरेक्टली मेरा आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे आउटपुट है, क्योंकि हम स्टोरी इस फॉर्म में कर रहे हैं कि सबसे पहले लेवल जीरो आ रहा है, लेवल वन, लेवल टू, ठीक है, तो जो फ्रंट एलिमेंट है वो डायरेक्टली आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि फ्रंट एलिमेंट के साथ जो अटैच्ड है, फ्रंट एलिमेंट के साथ कौन से अटैच्ड है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, जिस जिसका फॉल्स है, मतलब क्या कि जो जो अभी नहीं विजिटेड हुआ। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जीरो के साथ अटैच्ड है बट ऑलरेडी विजिटेड हो, वो नहीं लेना। जो एलिमेंट फ्रंट एलिमेंट के नेबर में है और क्या कि विजिटेड नहीं है उसको क्यू में डाल दे जाना है। ठीक है, तो जीरो को रिमूव किया, आउटपुट पे लिखे तो जीरो के साथ क्या आएगी, 1 2 3 4, सभी के फॉल्स है तो मैंने ये सारे क्यू में डाल दिए। ठीक है, और क्या कि इन सभी को ट्रू कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं फर्स्ट ले रहा हूं, ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट एलिमेंट है 1 को उठाया, आउटपुट में लिखा। ठीक है, अब क्या है कि 1 के एडजेसेंट क्या क्या है, इससे देखो 2 एंड 5, ठीक है, 2 ऑलरेडी ट्रू है, विजिटेड हो चुका है। ठीक है, तो अब 2 को दोबारा हम नहीं डालेंगे, 5 है, 5 फॉल्स है, तो 5 को ट्रू किया और इधर मैंने 5 को डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है 2, 2 को लिया, आउटपुट में डाला, 2 से कनेक्टेड गया 6, 6 का है, अच्छा 6 नहीं डाला, ओके ओके, ये फॉल्स था। अब 2 लिया, 2 के साथ कनेक्टेड है 6 है फॉल्स, तो 6 को मैंने ट्रू किया और 6 मैंने इधर डाल दिया। नेक्स्ट एलिमेंट है 3, 3 को लिया, आउटपुट में डाला, ठीक है, और क्या कि 3 के साथ कनेक्टेड गया 6 ऑलरेडी 2 है, कुछ नहीं करना। 4 लिया, आउटपुट में डाला, उसके बाद 4 के साथ कनेक्टेड गया 5 ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो इधर 5 आ गया, 5 आ गया, फिर नेक्स्ट 6 आ गया, क्योंकि सारे ऑलरेडी विजिटेड हो चुके हैं, तो ये मेरे पास आउटपुट बन गया। ठीक है, यही हमें एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब क्या कि सेकंड पार्ट लिख लेते हैं एल्गोरिथम का, क्या था, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हमें क्या करना था, टेक द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, जो फ्रंट एलिमेंट था उसको आउटपुट में लिखा था, एड इट टू आउटपुट। ठीक है, और क्या कि फ्रंट को रिमूव भी करना था, इधर ले दो। ठीक है, फ्रंट एलिमेंट लिखा था तो मैंने रिमूव भी किया था ना क्यू से, रिमूव फ्रंट फ्रॉम क्यू ऑफ लिखा फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद एड इट टू आउटपुट करना था, उसके बाद क्या था, जो नॉट विजिटेड है फ्रंट के साथ, नॉट विजिटेड को एड इन क्यू। ठीक है, सिंपल है, 2 स्टेप किए, उससे मेरे पास पूरा ब्रेथ फर्स्ट सर्च आ गया। ठीक है, अब क्या है कि इसका कोड लिखूंगा मैं, उससे पहले क्या है कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मेरे को ये स्टेप कहाँ करना है, मतलब विजिटेड को ट्रू कब करना है, एड इन टू आउटपुट एंड विजिटेड इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, DFS में विजिटेड ऊपर आएगा, इसमें विजिटेड नीचे आएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस स्टेप में होती है कि विजिटेड को कब ट्रू करना है। ठीक है, अब देखो जब मैंने 0 डाला था उसके बाद में मैंने क्या किया था, 1 2 3 4 को डाल के उसका विजिटेड ट्रू कर दिया था। ठीक है, अब क्या कि अगर मैं ऐसा करता कि जैसे 0 था, 0 का विजिटेड फॉल्स रखता, मतलब सारे विजिटेड फॉल्स है मान लो अभी, ठीक है, मतलब क्या है कि मैं जब क्यू में डाल रहा हूं तब मैं विजिटेड को ट्रू नहीं कर रहा, जब मैं आउटपुट में, जब मैं आउटपुट कर रहा हूं तब मैं ट्रू कर रहा हूं, तब क्या दिक्कत है कि देखो मैंने 0 लिया, अब 0 आउटपुट में मैंने डाल दिया। ठीक है, अब क्या है कि 0 ट्रू हो गया, 0 के साथ 1 2 3 4 था वो मैंने डाल दिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं
देख अब मैंने इस केस में इनिशियली ट्रू नहीं किया, पहले मैंने क्या किया था, जब मैंने क्यूब में डाला वैसे ट्रू कर दिया, अब मैंने ट्रू नहीं किया, अब मैं क्या है कि जब एलिमेंट को लिख रहा हूं ना तब ट्रू कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या है कि फ्रंट एंड में क्या आएगा, वन वन आउटपुट में आ गया, अब वन को मैंने ट्रू कर दिया और वन के साथ जो है वो सारे मैंने डाल दिए। वन के साथ कौन से थे, टू एंड फाइव, टू नॉट विजिटेड है, फाइव नॉट विजिटेड है, मैंने दोनों डाल दिए, ठीक है। अब गलती इधर आ रही है, ठीक है। देखो जो टू है वो दो बार आ चुके है क्यू में, ठीक है। मतलब कि अगर इस वे से चलेंगे कि मेरे को विजिटेड ट्रू तब करना है जब मेरे को एलिमेंट फ्रंट पे आ जाएगा और जब मैं एलिमेंट आउटपुट में लिख रहा तब गलती होगी, ठीक है। विजिटेड ट्रू तब लिखना है जब हम क्यू में उसे ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब हमने क्यू में ऐड कर दिया मतलब क्या है कि वो एलिमेंट अब आउटपुट में आएगा ही आएगा, क्योंकि जो क्यू में एलिमेंट है वो फ्रंट में तो आएगी, वो आउटपुट में तो आएगी। हम क्या चाहते हैं कि वो एलिमेंट दोबारा किसी का नेबर काउंट ना हो, ठीक है। तो इसीलिए उसी पॉइंट में जब हम ऐड कर रहे हैं आउटपुट में तभी हम विजिटेड को ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि दो सिंपल पॉइंट है, सबसे पहले है कि आप एल्गोरिथम बना लो, ठीक है, इन द सिंपल योर लैंग्वेज, फिर उसी को कोड करना है बस, ठीक है। कोड करते अब ठीक है, कोड कैसे करेंगे, ठीक है। हमें क्या है कि बीएफएस रिटर्न करना है, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे सपोज वेक्टर इंट है, जीएफजी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो मतलब जो स्टैंडर्ड होंगे वो मोस्टली जीएफजी के क्वेश्चन के हिसाब से होंगे, जो फंक्शनल प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। तो मेरे को दिया होगा एक ग्राफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट, वेक्टर इंट ग्राफ एंड इंट एन नंबर ऑफ रोज, ये इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट, मतलब क्या कि वेक्टर ऑफ लिस्ट, वेक्टर ऑफ एरे ऑफ वेक्टर की फॉर्म्स में है, जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, ठीक है, एरे ऑफ वेक्टर की फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले मेरे को करना है इनिशियलाइज क्यू करनी थी, इनिशियलाइज क्यू करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्यू चाहिए, क्यू चाहिए इंटीजर की, ठीक है, वो मैंने क्लियर कर दी। और इनिशियलाइज करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, विजिटेड का एरे चाहिए, तो मैं वो भी ले लेता हूँ, विजिटेड ऑफ एन, ठीक है। अब क्या है इसको मेरे को फॉल्स करना है हर एक एलिमेंट को, या मैं इंसेट से कर सकता हूँ या डायरेक्टली, और एक मैं इंटीजर आई डिक्लेयर कर देता हूँ, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो कॉमा आई इज लेस देन एन कॉमा आई प्लस प्लस, तो मैं क्या करता हूँ विजिटेड ऑफ आई इक्वल्स टू फॉल्स, इनिशियलाइज मेरे को फॉल्स करना था। उसके बाद में क्या था, मेरे को इनिशियलाइजेशन का एक तीसरा पार्ट क्या था कि मेरे को क्यू में डालना था फ्रंट स्टार्ट एलिमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, अगर क्वेश्चन में थर्ड पैरामीटर आपको दिया हो इंट स्टार्ट, मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग वर्टेक्स पता है कि आपको कौन से वर्टेक्स से बीएफएस स्टार्ट करनी है, तो उस केस में आप स्टार्टिंग वर्टेक्स क्यू में डालोगे, अगर नहीं दिया तो जीरो से स्टार्ट करोगे। तो इस केस में हमें नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा, मेरे को याद नहीं कि उस क्वेश्चन में है कि नहीं, बट मैं इसमें अज्यूम करूंगी जीरो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, देख लेना क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्यू में पुश कर दूंगा जीरो, ठीक है। जब मैंने क्यू में जीरो पुश किया था तब मैंने क्या किया था, विजिटेड में वो ट्रू कर दिया था, विजिटेड ऑफ जीरो को ट्रू कर दिया था, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट हो गया सारा इनिशियलाइजेशन का, ठीक है, दोनों डिक्लेयर किए और ये किया, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना था, टेक द फ्रंट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट इधर लिखता हूँ, चेक इन सेट किया था व्हाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी, मतलब क्या कि व्हाइल ये नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक मेरे को क्या करना है, फ्रंट एलिमेंट को निकालना है, टेक द फ्रंट ऑफ द क्यू, ठीक है। तो वो मैंने फ्रंट क्या निकाला, इंट टेम्प इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, फ्रंट से निकाला तो उसमें से रिमूव भी करना है मेरे को, ठीक है, क्यू से रिमूव कर देना वो एलिमेंट, क्यू डॉट ओके, ठीक है। तो फ्रंट एलिमेंट मेरा रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था एड इट टू आउटपुट, तो मतलब क्या है, आउटपुट मान लो आउटपुट के लिए मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ, तो मैंने वेक्टर ले लिया, ऐसा लिख देता हूँ वेक्टर इंट वी, ठीक है। एड इट टू आउटपुट मतलब क्या है कि
वी डॉट पुश बैक टेम्प, ठीक है, ये भी स्टेप हो गया। उसके बाद है कि जो नोट विजिटेड है और टेम्प के साथ है उसको क्यू में डाल दो, और क्या कि मार्क देम विजिटेड, ठीक है, ओके। अब क्या है कि मेरे को करना क्या है कि जो ग्राफ है, मेरे पास जो ग्राफ था, ग्राफ में मेरे को टेम्प पोजीशन पे जाना है, ठीक है, तो उसके साथ वाले जी ऑफ टेम्प वो मेरे को देगा टेम्प के सारे नेबर्स, ठीक है। तो मैं ये चेक करूंगा कि सबसे पहले फॉर आई इक्वल टू जीरो कॉमा आई इज लेस देन जी ऑफ टेम्प डॉट साइज, मतलब क्या है कि ये वाला वेक्टर मैं विजिट कर रहा हूँ कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या करना है कि इफ जी ऑफ टेम्प पेंड आई, ठीक है, ये क्या है कि टेम्प रो है और उसमें आई एथ एलिमेंट, अगर वो अगर विजिटेड ऑफ दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है, एक नोड है, ठीक है, अगर ये विजिटेड नहीं है क्या बनेगा मेरा, इफ विजिटेड ऑफ दिस वन, ठीक है, ये क्या कि विजिटेड एरे में हम कौन सा नोड देख रहे हैं, टेम्प का कोई नेबर देख रहे हैं, ठीक है, अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, ये विजिटेड है मतलब ये साथ में नॉट लगा दिया, अगर वो विजिटेड नहीं है देन मेरे को क्या करना है कि वो एलिमेंट क्यू में डाल देना है, क्यू डॉट पुश दिस वन जी ऑफ टेम्प ऑफ आई, एंड मैंने क्या कहा था कि जब मैं क्यू में पुश कर रहा हूं मैं उसको मार्क एज विजिटेड कर दूंगा, तो मैंने क्या कर दिया उसके बाद ये वाला विजिटेड ऑफ जी ऑफ टेम्प एंड आई इक्वल्स टू टू, ठीक है। अब देखो सारे कवर हो गए, ठीक है, मैंने क्या किया था सिंपल, सबसे पहले एग्जांपल दी थी, एग्जांपल से समझाया था, उससे मैंने एग्जांपल सॉल्व करते करते मैंने दो पॉइंट्स का बनाया था कि हाँ बीएफएस में दो पॉइंट्स सिर्फ यूज होते हैं, ठीक है, एक तो क्या है कि एवरी ऑपरेशन होने जब हम क्यू से पॉप कर रहे तब ऑपरेशन, एक इनिशियलाइजेशन, ठीक है, दो स्टेप होते हैं हमेशा लेवल और रिवर्सल में बीएफएस में, ठीक है, वो स्टेप हमने फॉलो किए, उन स्टेप को देखते हमने ये फिर स्टेप वन किया, फिर हमने स्टेप टू कर दिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल से एक बार समझ लो, एल्गोरिथम बनाओ, फिर कोड करो, ठीक है, थिंक ट्वाइस कोड वंस, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।